2020 और 21 का डेटा है, जिसमें कहा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, उसमें यह कहा गया कि 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था, वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं क्रिटिसाइज करने का जो हमने हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और दो तीन स्टेट्स हैं, केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है।